अच्छा लूप्स को देख लेते हैं भाई, लूप्स क्या चीज होती है। ठीक है, किसी को पता है लूप क्या होता है? हेलो, लूप क्या चीज होती है? हाँ, क्या करता है, क्या काम है इसका? हर इंडेक्स पे काम करवाना हो तो कोई काम हमने बार बार करना है, रिपीट करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे अपना ये नाम प्रिंट करना है यहाँ पे ना। स्क्रीन नहीं चल रही, ये स्क्रीन अभी चल गई। अच्छा, तो मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है, मैंने अपना नाम प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये नाम प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब मुझे नाम प्रिंट करवाना है 10 दफा। ऐसे ही दिल कर रहा था। अच्छा, 10 दफा प्रिंट हो गया ये? नहीं, जरूरी नहीं। ये वैसे इससे होता है कि वैसे तो एक ही वो बना हुआ आता है ना, यहाँ पे नंबर बढ़ता रहता है। काउंट में ये है कि वो काउंटिंग आ जाती है आगे खुद से। सही है, आप लॉग लगा लें, कोई मसला नहीं है। हाँ खुद अभी देखो। अच्छा, अभी भी अलग अलग आया, अच्छी बात है। लेकिन ये 10 दफा मैंने नाम प्रिंट कर दिया, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसमें दो मसले, अगर मैंने देखो कोई चीज़ चेंज करनी है इसमें, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक में जाके चेंज करना पड़ेगा। जैसे एस कैपिटल करना है, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये भी मसला। दूसरा मसला ये भाई, मुझे 10 दफा नहीं 100 दफा नाम प्रिंट करना है, क्या करूँ मैं? लिखता रहूँ 100 दफा, अच्छी बात तो नहीं है ना, ये फाइल इतना कौन लिखेगा। तो इसमें, इस केस में हमारे पास क्या चीज़ काम में आती है? अच्छा, लूप बहुत सारे तरह के हैं, कौन कौन से, किसी को पता है, वो बता सकते हैं? डू वाइल लूप, वाइल लूप बहुत सारे हैं। ठीक है, मैप भी होता है, फॉर ईच वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर लूप। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ना, तो फिर आपको किसी और लूप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सिंटेक्स क्या होता है? पहले आप लिखते हैं फॉर। ठीक है, आपने क्या लिखा? अच्छा, फॉर के बाद एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम आई रखना ज़रूरी है या नहीं? कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होता है, क्या रखा जाए? आई रखा जाए। दूसरी चीज़ क्या हम इसको देते हैं? इसको दूसरी चीज़ हम देते हैं कंडीशन। ठीक है, अच्छा इसको समझते हैं ज़रा एक दफ़ा। पहले तो मैं इसके अंदर ये लिख दूँ, ये मैंने लिख दिया, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने दफ़ा, 100 दफ़ा। सेव किया तो ये देखो 100 दफ़ा यहाँ पे आ गया। अब देखो ये ऐसे आता है ना एक साथ, तो इसको अगर अलग अलग मैंने लिखना है, तो मैं इसलिए काउंट कर रहा था इसको। अब ये क्या हुआ, देखो 100 दफ़ा आ गया। अच्छा, अब ये कोड में क्या है भाई, एक बना वेरिएबल लेट आई इज इक्वल टू 0, मतलब कि लूप को हमारे 0 से स्टार्ट करो। क्या मतलब इसका? 0 से हमारे लूप को स्टार्ट करो। अच्छा, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को? इनिशियलाइजेशन, गलत स्पेलिंग के साथ। सही स्पेलिंग कहां से आएगी भाई? आ गया, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट कौन सा है भाई? कंडीशन, कंडीशन चेकिंग का पार्ट है सेकंड। दूसरा पार्ट कौन सा है? यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि भाई जब तक आई जो है वो छोटा हो, कितने से? 100 से छोटा हो, तो आप क्या करो, लूप को चलाते रहो, नहीं तो लूप को नहीं चलाओ। अच्छा, ये जो चीज है ये किस में कन्वर्ट होगी, कंडीशन किस में कन्वर्ट होगी? बूलियन में कन्वर्ट होगी ना, मतलब अगर आई छोटा है 100 से तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा? अच्छा, अगर मैं हाथ से लिख दूं फॉल्स तो क्या होगा, लूप चलेगा नहीं चलेगा? सिंपल है, लूप नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलाइए। अगर मैं ट्रू लिख दूं तो कितनी दफा, कितनी दफा चलेगा? एक दफा चलेगा, उसके बाद क्या बोलेगा? चलता रहेगा ना, एक दफा क्यों चलेगा, चलता रहेगा वो। कंडीशन तो हमेशा ट्रू है। ठीक है, इसको जरा हम देखते हैं कि कब तक चलेगा। अच्छा, कंडीशन चेकिंग, उसके बाद क्या है भाई?
इसको क्या बोलते हैं, आइटेशन तो शायद नहीं बोलते। अब इंक्रीमेंट का भी मुझे कंफर्म नहीं है, इंक्रीमेंट होता है या अपडेशन होता है, चलो जो भी है। बस वैसे डिक्रीमेंट भी हो सकता है, अपडेशन बोल देते हैं। वैसे अपडेशन भी नहीं, इसका कोई और नाम होगा। चलो इधर देखते हैं ना, सीएमपी कंपोनेंट्स ऑफ फॉर लूप। अच्छा ये जो फॉर लूप है ना, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पार्ट है। इसका मतलब ये कि हर लैंग्वेज में फॉर लूप होता ही होता है। सी में भी इसका सेम सिंटैक्स है, जावा में भी इसका सेम सिंटैक्स है। मजा नहीं आया। व्हाट आर थ्री पार्ट्स ऑफ अपडेट ही है यहाँ। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये अच्छा आइट्रेशन अलग चीज होती है। आइट्रेशन जो है ना वो अलग चीज होती है, इसको भी हम देखते हैं। इन्होंने भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा हुआ है, डिक्रीमेंट भी होता है ना, जो डिक्रीमेंट भी उन्होंने साथ में लिख दिया बस स्लैश दे के। लेकिन आपको बात समझ में आ गई है, कुछ भी कहें इसको, है क्या ये? यहाँ लिखा हुआ है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेक्स्ट टेस्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन। तो ये अपडेट का पार्ट है, तीसरा जो पार्ट है। इधर आते हैं वापस दोबारा, अपडेशन की स्पेलिंग भी शायद गलत है। अपडेशन कोई लफ्ज ही नहीं होता, अपडेटिंग। अच्छा अब आई कहां से स्टार्ट हुआ था, जीरो से। यहां पे क्या आ गया पहले, जीरो छोटा हंड्रेड से, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा तो ये एक दफा चल गया, ठीक है चल गया। उसके बाद क्या हो गया, आई आई प्लस प्लस से क्या हुआ, आई की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई तो आई क्या हो गया, वन हो गया। क्या वन छोटा हंड्रेड से, ठीक है छोटा है तो फिर क्या होगा, दोबारा लूप चल गया, फिर क्या होगा, बात तो आपने सही की, लेकिन इसके चलने के बाद कौन सा स्टेप होगा, पहले चेक होगा या पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। फिर अच्छा इंक्रीमेंट आखिर में होगा। अच्छा चलो इसको भी टेस्ट करते हैं, यकीन तो नहीं है मुझे आपकी बात पे, तो क्या करेंगे टेस्ट करके देखेंगे। बोला आपने सही है, लेकिन टेस्ट तो करना चाहिए ना। अच्छा तो भाई आपको लग रहा है कि पहले ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन होगी और ये एक बार होगी, बार बार नहीं होगी। ये कोड कितनी दफा चलेगा लूप में, सिर्फ और सिर्फ एक बार, उसके बाद ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा ये जो कोड है ये बार बार चलेगा, और ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरी बार चलेगा, दूसरा मतलब सबसे पहले ये काम हुआ उसके बाद। अच्छा उसके बाद ये चीज नहीं चलेगी, उसके बाद पहले एक दफा लूप की जो बॉडी है, इसको कहते हैं लूप की बॉडी। कहां से शुरू होती है लूप की बॉडी, कर्ली ब्रैकेट्स जहां स्टार्ट हुए वहां से आखिर तक ही क्या है लूप की, ये चलेगी तीसरे स्टेप में। लास्ट स्टेप होगा इंक्रीमेंट का या डिक्रीमेंट का, कौन सा स्टेप होगा, हाँ कौन सा, लास्ट फोर्थ। तो ये मैंने लिख दिया कि भाई पहले ये फिर ये फिर ये थर्ड और उसके बाद फोर्थ। अच्छा इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कैसे हो सकता है भाई ऐसे, इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ और नीचे करके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा ये यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल बना हुआ है ना, तो मैं इसको अगर खाली छोड़ दूँ तो कोई मसला, बाहर वेरिएबल बना दूँ चलेगा ये,
चल जाएगा ये, ठीक है। इसको असल में लूप को चाहिए आई ना, तो आई हमने बाहर बना दिया, जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये लूप जो है सही चलेगा, चल आगे देखते हैं। तो ये लूप क्या हो गया, चलता ही जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने आई लिखना था, वन लिख दिया हमने यहाँ, और ये हैंग हो चुका है, ठीक है। असल में ये आई आई लिखना था यहाँ पे, इसको भी भाई आई करो क्योंकि वन हमेशा वन ही रहेगा ना, वन तो नहीं चेंज होगा, आई को तो हम चेंज कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये लूप कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, तो 100 तक प्रिंट हो गया तमीज के साथ। अच्छा, ये जगह खाली छोड़ी तो कोई मसला नहीं हुआ। अब इस जगह पे मैं क्या लगाता हूँ, एक अदद लगाता हूँ कंसोल लॉग, ठीक है। इस कंसोल में लिखता हूं मैं एक बार, तो ये कंसोल लॉग कितनी दफा आएगा, एक बार क्यों आएगा, मैंने एक बार लिखा इसलिए आएगा, क्यों, 100 दफा आएगा। अच्छा, अगर 100 दफा आए, एक बात सोचने वाली है, जैसे ये लूप है, अगर ये कोड हर दफा चले तो आई तो दोबारा रिफ्रेश होके 0 हो जाए, तो लूप चलता ही रहे ना, वो खत्म ही ना हो वो लूप कभी। जैसे आई को मैंने, आई 0 है, 0 100 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, ठीक है 0 हो गया यहाँ पे, तो हमने एक दफा इसको चलाया, आई को फिर हमने बढ़ा दिया। अब बढ़ा क्यों रहे, ताकि किसी पॉइंट पे आके ये वैल्यू जो है आई की 100 से ज्यादा हो जाए और लूप को हम खत्म कर दें, ठीक है। अगर हम लूप को खत्म नहीं करेंगे तो चलता ही रहेगा हमेशा, जिससे क्या हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो अगर ये कोड भी हर दफा चले तो आई की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं सकती, कैसे बढ़ेगी, हाँ। तो ये कोड जो है ना, यहां तक वाला, ये सिर्फ एक दफा ही चलता है। इसको हम देखते हैं, शुरू में ये चला और सबसे स्टार्ट में चला है, ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई है ना, इससे पहले चला ये, ठीक है, लूप की बॉडी से पहले चल गया ये। इसमें कोई सवाल किसी का? अच्छा, अब ये जो पार्ट है ये क्या करता है भाई, अपडेट करता है। इसको हम अगर इधर लिख दें आखिर में तो कोई मसला होगा, नहीं होगा। अच्छा, इसको हम चलाते हैं, तो ये कोई मसला नहीं हुआ, रिफ्रेश भी किया तो ये सही चल रहा है, यहां तक ये सही चल रहा है। अच्छा, ये पार्ट जो है, ये इस पे भी एक कंसोल लॉग लगाते हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पे भाई, टेस्टिंग। अच्छा, अब बताओ, ये तीन जो है ना लूप की कंडीशंस हो गए, यहाँ पे तीन चीजें जो चाहिए होती हैं। अब इनमें मैंने लॉग्स लगा दिए, इस कोड को जरा गौर से देखो और ये बताओ कि पहले ये आएगा या पहले ये आएगा या पहले ये आएगा, प्रिंट क्या होगा, पहले पहले एक बार आ गया, उसके बाद पहले तो एक बार आ गया, उसके बाद कितने लोग कह रहे हैं कि टेस्टिंग आएगा, कितने लोग कह रहे हैं शहजाद आएगा, तो बाकी सारे भाई ये सारे किधर हैं, किस तरफ है, एक तरफ तो हो ना, कितने लोग कह रहे हैं कि टेस्टिंग आएगा, अच्छा, और कितने लोग कह रहे हैं कि शहजाद आएगा, आप दोनों ने क्या कहा था मुनाब भाई, हाँ हैंड रेस किया था, जो हैंड रेस नहीं करता था ना उसे हम मानते हैं कि वो किसी और कैटेगरी से ना, वो इस तरफ है ना वो इस तरफ है, वो बीच में है, ठीक है, तो हैंड रेस किया करें टाइम पे, बाकी जो भी आए वो मसला नहीं होता, हम देख रहे हैं। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई पहले एक बार आएगा, फिर शहजाद आएगा, फिर एंड में क्या आएगा, टेस्टिंग आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में आगे देखते हैं,
पहले ये हुआ, फिर लूप की बॉडी चली, इंक्रीमेंट वाला जो पार्ट है वो आखिर में होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है? 100 बार क्यों आया, इसको भी देखते हैं, ये टेस्टिंग बार बार क्यों आया, अच्छा सवाल है आपका। तो एक बात तो हमारी सही प्रूफ हो गई कि पहले फर्स्ट पार्ट चलता है इनिशियलाइजेशन वाला, फिर कौन सा पार्ट चलता है? कंडीशन वाला, फिर बॉडी चलती है, अपडेशन नहीं, अपडेशन आखिर में होती है, फिर क्या चलता है? लूप की बॉडी चलती है, उसके बाद एंड में क्या होता है? वेरिएबल जो हमने अपडेट करना होता है वो अपडेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे थे कि ये जो पार्ट है ये बार बार क्यों चलता है, ऐसे ही कह रहे थे? ये इसलिए कि भाई अगर पहली दफा इसमें आई में क्या है, जीरो है, क्यों जीरो क्यों है? क्योंकि हमने स्टार्ट जीरो से किया है। अगर हम 10 लिखते तो जीरो नहीं होता, क्या होता? तो चलो 10 लिख देते हैं मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10। लूप कहाँ से शुरू होगा हमारा? 10 से शुरू होगा। क्या 10 100 से कम है? 100 से कम है, ठीक है। अच्छा, एक दफा इन सबको बंद कर दें, ठीक है। तो क्या ये 10 ये सही है, ये मतलब ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, तो एक दफा चलेगा ये, एक दफा प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद हमने आखिर में क्या किया, इसको आई को प्लस प्लस कर दिया और अपडेट करके क्या हो गया ये। अच्छा, इसके बाद कौन सा पार्ट चलेगा? चौथे पार्ट के बाद कौन सा पार्ट चलेगा? दूसरा, यही वाला चलेगा, कंडीशन वाला। इस पार्ट के बाद कौन सा चलेगा? कंडीशन वाला चलेगा। ये वाला तो मैंने कहा ना एक दफा चलता है, तो ये तो चलेगा नहीं, कंडीशन दोबारा। अच्छा, 11 हो गया, अभी भी कंडीशन क्या हो रही है भाई? ट्रू हो रही है। ट्रू होगी तो क्या करेंगे, ये चलाएंगे, फिर अपडेट करेंगे, फिर करेंगे 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 करेंगे। अब हम पहुंच गए 98 पे, ठीक है। 98 क्या ये ट्रू है? ट्रू है तो फटाफट इसको चला दो। चलाया, फिर हमने इसको प्लस प्लस किया, तो ये 98 से क्या हो गया? 99 भी क्या है? फिर भी इसको चला दिया। चलाने के बाद क्या किया, इसको अपडेट किया, अब क्या हो गया? 100 हो गया। अब क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स क्यों होगा भाई, क्या 100 से बड़ा होता है? छोटा भी तो नहीं होता, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, इस कंडीशन की जगह पे क्या आ जाएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, तो बस लूप खत्म हो गया हमारा। तक ही चल रहा होगा, देख लेते हैं। अच्छा, इसको जरा देखते हैं, एक मिनट, इनफाइनाइट तो नहीं है, इसको आई करो फटाफट, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ आई को मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ, ठीक है, मुझे आई का वेरिएबल मिलता भी है, तो मैं इसको प्रिंट तो करवाता हूँ। अब मुझे ये बात बताओ कि आई में कैसे क्या प्रिंट होगा, अभी 100 तक, 100 तक, दोबारा देख लो लूप को, 10 से होगा, 11 से होगा, 11 से नहीं होगा, 11 से होगा ना, और कहां तक होगा? 100 तक, देख ले अभी 99 तक हुआ, क्यों? 100 पे तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, और स्टार्ट कहां से हुआ? 10 से स्टार्ट हो गया, सिंपल। अच्छा, इसमें एक और चीज ये थी, अच्छा जो अपडेशन का पार्ट है ना, उसमें सिर्फ जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही लिखें आई प्लस प्लस, ये कॉमन तरीका है, लेकिन हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस 10 भी, आई थिंक लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 10, आई थिंक आई इज इक्वल टू करना जरूरी है क्या? इसको हटा के देखते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया है, ठीक है, रीअसाइन भी करना जरूरी है ताकि वेरिएबल अपडेट हो। आई प्लस 10 से तो वही वो अपडेट हो गया, छोड़ दिया हमने उसको ना, अब 10-10 ऐड करेगा तो क्या प्रिंट क्या होगा वैसे, पहले बताओ इसमें तुक्का लगाओ क्या प्रिंट होगा इसमें, 10, 20, 30
और 100 होगा 90 पे एंड हो जाएगा। सही है, इसको हम जरा देखते हैं। तो हाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 90 तक हो गया ये। अब इसको समझते हैं हमने क्या किया भाई। आई का जो वेरिएबल था ये अपडेशन का पार्ट है ना, यहाँ पे हमने क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो आई के वेरिएबल को हमने अपडेट किया कैसे, आई की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें 10 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो, तो शुरू में क्या थी वैल्यू, 10 थी। ठीक है, यहाँ कंडीशन में क्या था, 10 था, 10 प्रिंट भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने किया भाई आई प्लस 10, आई में क्या है, आई में है 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया भाई, आई में क्या आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ गया, 20 प्रिंट भी हुआ था, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर क्या था, यहाँ पे आई प्लस 10 था ना, वैसे आई प्लस 10 तो 20 है, 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 10-10 ऐड होते रहेंगे। ठीक है, और 90 तक होगा, 90 प्लस 10 कितना हो गया, 100 पे क्या हो गई, कंडीशन ही फॉल्स हो गई थी, तो इसलिए 100 प्रिंट नहीं हुआ। अब मुझे अगर 100 प्रिंट करवाना है तो क्या इक्वल टू डाले बगैर कोई तरीका है, देखो जरा सोचो पता करो। बाकी जिसको ये थोड़ा मुश्किल से समझ आया वो जरा गौर कर ले इस पे। जिनको लोग आता है ना वो अभी बोर होंगे, जिनको नहीं आता वो सोच रहे होंगे अभी क्या हुआ है, मिक्स है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम खरीदा है हमने। हाँ भाई कैसे होगा, 101 कर दे तो 100 प्रिंट हो जाएगा। ये अच्छा तरीका है बिल्कुल। हाँ इसको लिखने का एक और तरीका भी है, क्या तरीका है, एक और प्लस शुरू में कर दें और ऐसे करके, तो इसका भी वो सेम मतलब होता है, पिछली क्लास में हमने देखा था ना। तो ये भी क्या करेगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा 10, जो पहले वाला कोड था ये भी सेम कोड काम करेगा। चला आगे एक दफा देख लेते हैं, ठीक है ना, सही चल रहा है, सही चल रहा है। अच्छा अगर मुझे 100 भी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 101 कर सकता हूँ। ये किसने बताया था, नाम क्या आपका, उस्मान भाई ने हमें बताया कि अगर हम इसको 101 कर दें तो 100 भी प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। अच्छा अब ये क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ 100 आएगा तो कंडीशन क्या है, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू में तो चल जाएगा ना, वो तो ट्रू ही करनी थी हमने। अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या लगा दें हम, इधर लगाएंगे तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो गया ना, तो ये 100 पे भी क्या होगा, 100 पे भी ट्रू होगा ना, तो चल जाएगा वो। तो ये भी क्या हुआ, क्या हुआ भाई, चल गया। इसमें कोई सवाल किसी का है, डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, करते हैं डिक्रीमेंट भी करते हैं, उल्टा लूप चला के देखना है वो, याद रखना तुम्हें। पहले तो इसको जरा सीधा सीधा कर देना कि भाई सिंपल तरीका क्या है, ताकि आपके पास कोड में ही अवेलेबल रहे। आई प्लस प्लस ये क्या करेगा, सिंपल 1 से 10 तक गिन, 1 से 9 तक गिनती प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये 10-10 छोड़ के 100 तक गिनती प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 2 हो गए। अच्छा इसमें अभी ब्रेक वगैरह भी होता है एक चीज ना, वो भी पढ़नी है। ये आपको समझ आ गया कि पहले कौन सा पार्ट होता है, दूसरा उसके बाद क्या चीज चलती है। इसको जरा एक दफा घर जाके खुद से भी ट्राई करना अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए कि भाई इधर अगर कंडीशन में नहीं दूं तो क्या होगा, कंडीशन में कहीं और रख सकता हूं या नहीं। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट से हम कैसे बच सकते हैं,
ठीक है, तो इसको जरा खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लूप क्या कुछ भी नहीं आएगा आपको। अच्छा अभी लीड को अच्छी सी दे देंगे ना। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है? वो तो हो गई ना, वो तो कंकेटिनेशन ऑफ एरे, जो आपके असाइनमेंट्स है ना वो आपने करके आने अगली क्लास में। असाइनमेंट मेनली लीड कोड वाला ही है फिलहाल ना, वो अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है शायद बैठने ना दिया जाए। फाइंड वैल्यू आफ्टर ऑपरेशन कंटेन डुप्लीकेट, आई थिंक दिस रिक्वायर्स एन लूप। चलो अच्छा ये करके आना यार, ये करके आना ठीक है। इसका लिंक मैंने इसका लिंक दिया हुआ है ना, इस लिस्ट का, प्रॉब्लम लिस्ट का ग्रुप में है, देखो अभी ग्रुप में है भाई, लिंक देख लो अगली क्लास में। लिंक ये बोलोगे ना कि लिंक नहीं था प्रॉब्लम का तो फिर तो मुर्गा बनाऊंगा। अच्छा ये जो लिंक है ना इसका, ये मैंने ग्रुप में दिया हुआ है ठीक है ना, ग्रुप में पिन भी कर देते हैं सर, पिन कर दे ठीक है। और कुछ? बस तीसरी वाली कंटेन डुप्लीकेट्स, लीड कोड पे अलग से भी लिखोगे मिल जाएगी ठीक है, वीडियो में भी आ गई है। प्रॉब्लम नंबर 217, इसमें आपने सिर्फ इतना बताना है कि क्या इस एरे में डुप्लीकेट्स हैं या नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज क्या इसमें हैं या नहीं है। वन दो दफा है ना, डुप्लीकेट हो गई ना, तो क्या रिटर्न करना है आपने? डुप्लीकेट है तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं है तो इसमें इन्होंने फॉल्स आउटपुट क्यों दिया? डुप्लीकेट नहीं है इसमें, इसमें कौन से डुप्लीकेट है? वन देखो तीन दफा आ गया, डुप्लीकेट हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना आगे क्यों जा रहे हो, शुरू में ही डुप्लीकेट मिल गई ठीक है। बहुत कुछ लगेगा बहुत कुछ लगेगा इसमें ना, तो आप खुद देखना क्या लगेगा इसको। अच्छा सवाल समझ में आ गया, तो आप सवाल भी हो गया, एक्सप्लेनेशन वगैरह लिंक भी मिल गया, तो अब इसको कोशिश करना। अच्छा आगे चलते हैं, लिंक्डइन का अगली क्लास में, आज कुछ पता नहीं है, रिकॉर्ड भी है सही से होगा या नहीं, अपलोड होगा नहीं होगा। लेट आई इज इक्वल टू जीरो, अच्छा सिंटेक्स बताओ मुझे फटाफट लूप का, कैसे करूं मैं आगे? आई इज लेस देन 10 कर दिया, आगे आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। अच्छा अब इसमें हम ऐसा कुछ काम करते हैं, मैं चाहता हूं ये लूप तो 10 तक चले। एक कीवर्ड होता है हमारे पास ब्रेक, क्या होता है ब्रेक, क्या करता है एक दफा चला के लूप को। अच्छा ब्रेक मैं बता देता हूँ क्या करता है, देख लो इसको, ब्रेक जो है ना लूप को खत्म कर देता है, बिल्कुल क्या कर देता है लूप को, जब भी जावास्क्रिप्ट लूप के अंदर ब्रेक का कीवर्ड को देखेगा तो क्या कर देगा लूप को, बिल्कुल लूप को वहां पे खत्म कर देगा, रोक देगा पूरे लूप को बिल्कुल खत्म करके लाइन नंबर 32 से या आगे से शुरू करेगा कोड चलाना ठीक है। अच्छा तो अब बताओ अब क्या प्रिंट होगा, आफ्टर प्रिंट होगा, यार ये वीएस कोड गलत करता है, डिम कर देता है इसको। अच्छा तो बिफोर क्यों प्रिंट होगा, ब्रेक लगा हुआ ना यहाँ पे, तो ब्रेक लगा दिया हमने, पहले ये लाइन जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर ने देखी तो उसने इसको चला दिया लाइन को, ब्रेक बाद में नजर आई हमें ठीक है, ब्रेक के नजर आने तक ये कोड चल चुका था ठीक है, फिर हमने ब्रेक मारी तो उसके बाद ये लाइन नहीं चली ठीक है। इसको जरा चला के देखते हैं, लूप इनफाइनाइट तो नहीं है ना, तो बिफोर आ गया और आफ्टर नहीं आया ठीक है। ब्रेक लूप को तोड़ने के लिए, लूप को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। जी सर
करते हैं एरे के साथ। अभी तो लूप में इधर इधर भी तो बहुत सारी चीजें हैं देखने वाली। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई 5 तक लूप चले, उसके बाद ब्रेक हो जाए 5 तक। How can we do this? Nested for loop. किधर चले जाए? खुदा हाफिज भाई, तुम जाओ ना अभी। क्या होगा यहाँ पे? हाँ क्या करें? आवाज नहीं आई मेरे को। इफ की कंडीशन लग गई। आई मैं अगर क्या 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 करूं? आई डबल इज इक्वल टू, अच्छा एक और रूल मैंने बताया था, डबल नहीं ट्रिपल यूज करना जब भी यूज करना। एक यूज कर सकते हैं लेकिन एक का मतलब तो असाइनमेंट होता है, दो बेहतर है कि आप यूज ना करें। सही है? तो अभी मैं क्या करूं? ब्रेक लगा दूं। सही है? तो मैं क्या करता हूँ, लॉक करता हूँ, आई को प्रिंट करवा देता हूँ। सही है? तो देखिये 4 तक हो गया, जबरदस्त हो गया। अब मैं चाह रहा था कि 5 भी प्रिंट हो, अब क्या कर सकते? 6 भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ। ऊपर में क्या होगा, ये 5 में चल जाएगा पहले, ठीक है, उसके बाद हमने 5 को देख के ब्रेक लगाई है, तो भी ये क्या करेगा, 5 तक ही चलाएगा मेरे ख्याल से। ठीक हो गया, 5 तक आ गया यहाँ पे। तो ये थी भाई ब्रेक की कहानी। ब्रेक में और कुछ है? किसी कंडीशन पे ही लगता है ब्रेक, डायरेक्ट ऐसे लगाने का तो कोई मकसद नहीं है ना। ठीक है, और कोई सवाल इसमें किसी का? एरे के साथ रुक जाओ रुक जाओ, एरे के साथ चला के ब्रेक तो अलग तो नहीं हो जाएगा ना, ब्रेक तो वही रहेगी। अब ब्रेक तो एक चीज हो गई, ठीक है, दूसरी एक और चीज होती है, क्या होता है भाई? कंटिन्यू, सुना है नाम, पढ़ा भी होगा, किस किसने पढ़ा है? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कंटिन्यू, कभी नाम भी नहीं सुना कंटिन्यू का। अरे कंटिन्यू की स्पेलिंग शायद यही होगी। ये क्या करता है? हाँ चलाते ही जाएगा, तो फिर फायदा है इसका। कंटिन्यू हाँ, इसको मैंने यहाँ कंटिन्यू लगाया है। सही है? तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा इसको मैं लगाता हूँ इससे पहले, तो अब एक दफा 0 आना चाहिए, तो ये देखो पूरा आ गया एंड तक। तो ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चीज है, ये क्या करता है? कंटिन्यू क्या करता है? अच्छा ये जो लूप है ये C++ में भी C में भी बिल्कुल इसी तरीके से है, उसमें भी ब्रेक कंटिन्यू ये सब चीजें ऐसे ही हैं, सिंटैक्स भी सेम है। तो कंटिन्यू का काम क्या है फिर, क्यों डाल दिया इन्होंने लैंग्वेज में? तो आप कह रहे हैं कि कंटिन्यू के बगैर भी चल जाएगा, तो इन्होंने क्यों लैंग्वेज में एक चीज डाल दी है? कोई हिस्सा अगर हमने समझा नहीं, ब्रेक करना है क्या, क्या मतलब? मतलब कोई चीज आधी रोक दी, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर चला दी, तो लूप में ही चले, लूप में ही चले। अच्छा हो सकता है ऐसा हो। और कोई अपना ओपिनियन देना चाहे कि भाई कंटिन्यू का क्या काम है? सलीम भाई आप बताएं, कुछ तुक्का लगाएं जरा। असल देखिए सही गलत की बात नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ बस आप बताएं आपको जो भी लगता है, जो भी आपको समझ में आ रही है बात, कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड करना है ना।
मकसद क्या है इसका? मकसद नहीं समझ आया ना। सलीम भाई बताएं तो, कुछ भी बता दें। चलता ही रहे, अच्छा चलें देखते हैं इसको। इसको मैं ले आता हूँ इफ के अंदर, ठीक है, और मैं ले आता हूँ ब्रेक को हटा के। हम ब्रेक जो हमने बहुत ब्रेक लगा दी, अब ब्रेक को हटाते हैं। अच्छा तो मैंने अभी ये किया है, और अब जरा इसको चला के हम देखते हैं तो क्या होता है। भाई गिनती प्रिंट हो गई, कुछ नोटिस करें इसमें कुछ कुछ गलती है। फाइव नहीं है इसमें, ठीक है, फाइव नहीं है। अच्छा ब्रेक अगर हम यहाँ पे करते ना तो फाइव के बाद कुछ भी नहीं आता, ना सिक्स आता, ना सेवन आता, ना एट आता। लूप क्या मैंने बोला था, ये जुमला आपने याद रखना है कि ब्रेक क्या करता है भाई, रोक नहीं देता, खत्म कर देता है लूप को, फिर रोक देता है, खत्म कर देता है लूप को, ठीक है, बिल्कुल खत्म कर देता है। अच्छा जो कंटिन्यू है ये क्या करता है भाई, ये स्किप करता है एक आइट्रेशन को, क्या करता है, स्किप्स वन आइट्रेशन। ये समझ आई बात सबको? आ गई? किस किस को नहीं आई? अच्छा किसी एक को खड़ा करो। नहीं 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 अभी नहीं, अभी बस हो गया काम, टाइम सब, किसी एक को खड़ा करो पहले। हाँ अच्छा, आपने वैसे कहा तो नहीं था कि आपको नहीं समझ आई। अब एक बात बताओ, ये मैंने एक लाइन लिखी है, ये जरा एक्सप्लेन करो पहले। अच्छा अब ये लाइन में एक लफ्ज लिखा था आइट्रेशन, ये क्या, ये इसका क्या मतलब है पता है आपको? पता है नहीं पता? हाँ या ना? पता है वैसे तो फिर एक्सप्लेन करो, या पता है तो कोई भी लफ्ज अगर ऐसा लिखूं मैं जो नहीं पता तो फौरन भाई बोलना ये नहीं समझ आया, ये लफ्ज क्या लिखा है सर आपने, आइट्रेशन क्या होती है। स्किप तो समझ आ गया था, यहाँ पे इसको देख के समझ आ गया था कि फाइव को स्किप कर दिया, स्किप हो गया, लेकिन आइट्रेशन क्या है, ठीक है, आइट्रेशन भी एक चीज होती है। बैठो बैठो बैठो, मैं इस इंतजार में था कि आप लोग ये सवाल करोगे। अच्छा आइट्रेशन देखें, जितनी दफा लूप चलता है ना उसको हम आइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये लूप जो है ये कितनी दफा चल रहा था, ये 100 दफा नहीं चल रहा था, ये जो 10 प्लस किया था ना हमने, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 दफा चल रहा था। तो ये लूप कितनी दफा आइटरेट हुआ? 10 दफा आइटरेट हुआ। आइटरेट का मतलब ये बॉडी लूप की जो चली है उसको हम आइटरेशन, एक आइटरेशन मतलब एक जो लूप घुमा है उसको हम क्या कहते हैं, एक आइटरेशन कहते हैं उसको, ठीक है। उसने कंटिन्यू ने स्किप किया, लेकिन आइट्रेशन का मतलब मैं बता रहा था वो क्या होता है कि जब एक दफा लूप चलता है उसको हम आइट्रेशन कहते हैं, ठीक है, कि भाई लूप कितनी दफा आइट्रेट हो रहा है, कितनी दफा चल रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या था भाई, अच्छा लूप चल रहा था हमारा 10 तक, इसको अगर हम हटा दें तो सिंपल सिंपल हमारा लूप क्या है भाई, तमीज के साथ इज्जत के साथ 0 से 9 तक चल रहा है। अब हमने इसमें क्या किया, एक कंडीशन लगाई कि अगर आई जो है वो बराबर हो जाए कितने के, 5 के, जब भी आई 5 के बराबर हो तो आपने कंटिन्यू कर देना है, मतलब कि एक आइट्रेशन स्किप कर देनी है, नीचे का कोड कोई भी नहीं चलाना आपने, और दोबारा कंडीशन चेकिंग पे चले जाना है, मतलब इंक्रीमेंट पे चले जाना है, ठीक है। दो आइट्रेशन स्किप करवानी हो तो सिक्स कर देते हैं, देखते हैं अभी, तो 4 के बाद 7 आ गया बस तो हो गई। कंटिन्यू जब वो एक ही आइट्रेशन स्किप करेगा, वो आपके कहने पे दो नहीं करेगा, दो करवानी है तो उसे जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। अच्छा कंटिन्यू ने क्या किया भाई, नीचे का कोड नहीं चलाया, लेकिन लूप को खत्म भी नहीं किया, दोबारा किधर आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे किधर आ गए,
आई प्लस प्लस वाले पॉइंट पे इसको लेके आ गया लूप को, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, फाइव था, क्या हो गया यहाँ पे सिक्स हो गया। सिक्स पे फिर कंडीशन चेक हुई और दोबारा हमने क्या कर दिया, इसको चला दिया इसको ना, ठीक है। तो इसमें कोई सवाल और किसी का? कंटिन्यू वाले में तो नहीं चलाया ना, फाइव में देखो कहाँ चला है, फाइव तो प्रिंट नहीं हुआ। हाँ तो जब ये जब कंटिन्यू जब चलेगा तभी वो करेगा ना, कंटिन्यू के कीवर्ड तक हम जब पहुंचेंगे वो तभी आइट्रेशन स्किप करेगा। और कब पहुंचेंगे, सिर्फ फाइव में हमने कहा है कि पहुंचना है। क्यों फाइव में क्यों आएंगे, कंडीशन ही वो लगाई है हमने, तो कंटिन्यू उसके अलावा चल नहीं रहा। अगर कंटिन्यू चलता तो वो भी आ जाता। और कोई सवाल इसमें किसी का? हाँ ये बेहतर प्रैक्टिस है कि आप जो है डेटा टाइप चेक करनी चाहिए, सेम डेटा टाइप्स होनी चाहिए। जहां भी यूज आएगा हम इसको देखेंगे और ना, इसको हम और देखेंगे, लेकिन आप कोशिश करें जहां भी यूज करना है आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करें। और कोई सवाल किसी का? तो भाई आप लोग काफी मोटिवेट हो गए थे, साफ जॉब आए थे, अच्छी बात है, ठीक है, सर्टिफिकेट्स वगैरह लें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं जब तक आप असाइनमेंट नहीं बनाते। तो ये आपकी क्या है, खुश फहमी, एक और भी अच्छा सा लफ्ज होता है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ये आपकी ख्वाब फैली है कि आप जो है डेवलपर बन सकते हैं जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट्स बनाएं और अपनी अटेंडेंस पूरी रखें। आज जो है आपके असाइनमेंट्स देख के अच्छा नहीं लगा मुझे, जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे, उसको ज़रा बेहतर बनाएं प्लीज़। और किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। हाँ सवाल एक ही होता है, जैसे इधर था ना कंटेन डुप्लीकेट्स, जैसे ये कंटेन डुप्लीकेट्स है, इसमें जो ये केसेस है ना, यहाँ पे तीन केसेस हैं, इधर कितने केसेस हैं? अच्छा शोर नहीं करें प्लीज। तो तीन में अलग अलग वैल्यूज के साथ आपके इसको टेस्ट किया जाएगा कोड को। आपका काम है कोड लिखना, डुप्लीकेट्स हैं या नहीं एरे में ये बताना। इधर इनपुट में कोई भी वैल्यू हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा जब आप रन करते हैं ना तो ये आपके तीन टेस्ट केसेस पे इसको ट्राई करता है, लेकिन जब आप सबमिट करते हैं तो ये 100-200 टेस्ट केसेस पे आपके कोड को रन करके देखता है, ठीक है। और वो ये चार एलिमेंट्स कह रहे हैं ना, वो 400 एलिमेंट्स कह रहे भी दे के देखता है, ठीक है। तो वो अच्छे तरीके से आपके कोड को टेस्ट करता है, उसके बाद फिर बताता है वो कि भाई कोड आपका सही है या नहीं। तो कोड में आप गलती नहीं कर सकते थे। खुद से भी टाइम लगाना पड़ेगा, खुद से टाइम लगाना पड़ेगा, काफी टाइम लगाना पड़ेगा खुद से आप। अच्छा इसका मैं तरीका बता देता हूँ आप सबको ना, भले आप अभी सीनियर हैं जूनियर हैं कोई भी है, अगर कोई मेरे पास कोई मेरा क्लास फेलो भी आएगा ना तो भी मैं उसे ये बताऊंगा कि आप जब लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप क्या करें, 10 से 15 मिनट 20 मिनट सवाल पे टाइम स्पेंड करें, 10 मिनट या 5 मिनट इस पे स्पेंड करें। आपको सवाल समझ में आया नहीं आया, सवाल समझ में नहीं आया तो आप जाओ यूट्यूब से हेल्प लो और सिर्फ सवाल समझ के वापस आ जाओ, ठीक है। फिर आप खुद से आओ और सोल्यूशन सोचने की कोशिश करो, सोल्यूशन को कोड करने की कोशिश करो। कितने, 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम जो है टाइम वेस्ट है इससे ज़्यादा ना। वैसे जो सीनियर्स होते हैं वो जो ज़्यादा लीड कोड करते हैं ना इंडिया वगैरह वाले, वो बोलते हैं एक घंटा स्पेंड करो आप। वो लोग तो तीन तीन चार चार घंटे भी, भाई कोई अगर लगा हुआ है प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं हो रही फिर भी लगा हुआ है, वो टाइम वेस्ट है। एक घंटे में अगर हो रही है ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ 15 मिनट में अगर आपसे सोल्यूशन सॉल्व हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे, अच्छा हिंट्स भी आते हैं किसी किसी प्रॉब्लम में, हिंट्स देख लो, हिंट्स से भी नहीं हो रहा तो फिर आप यूट्यूब से सोल्यूशन देख लो और उसको बगैर देखे टाइप करके कोड करने की कोशिश, फिर भी नहीं हो रहा तो देख के कर लो, समझ लो बस, सवाल सोल्यूशन समझ में आनी चाहिए आपको। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर हम सोल्यूशन देख के उसको समझ लें तो फायदा क्या? बहुत फायदा है आपको, मतलब दिमाग खुलता है ना आपका कि यार अच्छा ये चीज ऐसे भी हो सकती है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इससे अनलॉक होती है कि अच्छा यार ये काम जो है इसको करने के इतने सारे तरीके हैं। मतलब आपने वीडियो देखी एक की, आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आया, आप दूसरे की वीडियो देखें
उसने बिल्कुल अलग तरीके से एक सवाल को सॉल्व किया होगा। मतलब मैं खुद ये सवाल सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं बाकी लोगों के सॉल्यूशंस देखता हूँ ना, बाकी लोग रशिया वगैरह के, अमेरिका के, चाइना के, उन्होंने पता नहीं कौन कौन से कोड, मतलब दो लाइनों में वो काम किया होता है। हमने इतना सारा कोड लिखा हुआ है, उन दो लाइनों में भाई कहानी खत्म कर दी। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, चले अगली क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।